वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस आज का व्लॉग सुबह के 6-7 पे स्टार्ट हो रहा है क्योंकि मैं पूरी रात सोया ही नहीं हूँ, ऊपर से एडिटिंग कर रहा था। और मुझे सुबह का जो व्यू होता है ना जब सूरज निकलता है वो कैप्चर करना था, तो इसलिए मैं सोया हूँ नहीं हूँ। तो और सुबह का मौसम चेक करें गाइस, ये चेक करें, हाय हाय क्या मौसम है यार। ऊपर से ये परिंदों की आवाज़, मुर्गियों की आवाज़ है, क्या बताऊँ। सुबहानअल्लाह माशाल्लाह, ये चेक करें गाइस, कसम से यार सुबह का मौसम बड़ा प्यारा है। तो अभी ये मैं टाइम लैप लगा लेता हूँ उस पर आईफोन पे, तो यहाँ पर रख देते हैं और मुझे वो जो सुबह का व्यू होता है ना सूरज वाला वो कैप्चर करना है। तो अभी टाइम लैप लगा लेते हैं यहाँ पर, हाँ टाइम लैप। तो मोबाइल को ये टाइम लैप मैंने ऑन कर दिया है, अब मोबाइल को मैं ऐसे रख देता हूँ किसी यहाँ पर, थोड़ी देर के लिए चेकअप के लिए मैंने रख दिया है। तो अभी चेकअप हो जाता है ना फिर मैं देखता हूँ कैसे वीडियो बन रही है, फिर मैं सीधा मतलब उसके टाइम पर लगा देता हूँ। फाइनली गाइस इसको मैंने सेटअप पे लगा लिया, इसके लिए मैं छत पे आया था। तो अभी नाश्ता करने चलते हैं नीचे, देखते हैं नाश्ता घर पे होता है या बाहर होता है। मुझे लग रहा है घर पे होगा क्योंकि हमारे घर वाले तो सोए हुए हैं, मामी तो जागी हुई है ना। चलते हैं मामी के पास नाश्ता करते हैं। गाइस नीचे मेरा नाश्ता बन रहा है, मैं दोबारा से ऊपर आ चुका हूँ और फ्रिज से मैंने एक सेब भी उठा लिया है। अभी चेक कर लेते हैं व्यू, अभी तक तो सूरज निकली नहीं है, ये जैसे देख सकते हैं सूरज निकली नहीं है। तो जब सूरज निकलेगा ना तब मैं व्यू तुम ऐड कर दूँगा उसमें, आप देख लेना कि कैसे मतलब व्यू हैं यहाँ के, मतलब सैनमेटिक्स कैसे हैं, देख लेना आप अपने मतलब इसमें व्लॉग्स के बीच में डाल दूँगा। तो खाते हैं सेब, तो तब तक के लिए जब तक नाश्ता बनता है तो अगर खाते हैं सेब। गाइस ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं, तो अभी तक धूप निकली नहीं है, तो मैं अपना मोबाइल वापस ले रहा हूँ ये चेक करें। अभी तक धूप निकली नहीं है, मतलब बादल ही हैं तो धूप निकली नहीं है। तो अभी फटाफट से अपना मोबाइल ले लेते हैं और क्लोज़। तो अभी चलते हैं नीचे, नीचे नाश्ता मेरा आ चुका है, तो करते हैं अभी फटाफट से नाश्ता। मेरा नाश्ता आ चुका है, आज के नाश्ते में देसी घी से बना हुआ पराठा नहीं और चाय, सेम कल वाला नाश्ता है। तो अभी फटाफट से करते हैं नाश्ता, तो मिलते हैं नाश्ते के बाद। और गाइस एक प्रॉब्लम ये है कि मेरे यहाँ पर मतलब बहुत दर्द हो रहा है, तो आई थिंक ट्रांसफर ये उठ गए हैं ना, तो इसलिए दर्द हो रहा है। तो गरम चाय पी लेते हैं, आई थिंक सही हो जाएगा, या सही नहीं हो तो फिर जाके एक गोली एक होती है वो खा लेते हैं, फिर सही हो जाएगा आई थिंक। मिलते हैं तुम लोगों को नाश्ते के बाद। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 7 बज रहे हैं, अभी तक सूरज नहीं निकला है, तो मैं जा रहा हूँ सोने में भाई। और मेरे मोबाइल में भी देखो चार्ज कितने 70% है, तो मैं अभी चलता हूँ सोने। तो तुम मिलते हैं तुम लोगों को जब मैं उठ के मिल लूँगा ना, तब मिलते हैं। फीवर हो गया, पाओ का मतलब दर्द ना, मैं आज मदरसा गया ना प्रैक्टिस के लिए गया हूँ। तो अभी आज है फिज़ा का बर्थडे, तो उन लोगों ने अपने मतलब घर पे डेकोरेट कर लिया है, तो अभी चलते हैं देखते हैं कैसे डेकोरेट हुई है। और आज है फिज़ा का बर्थडे, और अभी बड़े फट से चलते हैं वहाँ पर डेकोरेट की तरफ। तो मिलते हैं तुम लोगों को बर्थडे पे।
फिजा का बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया और वापस मैं अपने रूम में आ चुका हूँ। बर्थडे में मतलब भाई ने बहुत सारे ट्रीट दिए थे, चिप्स थे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, केक वगैरह ट्रीट दिया था भाई ने, तो एंजॉय कर लिया है। अल्लाह से ऐसी हज़ार बर्थडे फिजा को नसीब करें। तो एनीवेज इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, उम्मीद है तो आपको ये ब्लॉग अच्छी लगी। ब्लॉग अच्छी लगी तो इस ब्लॉग को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दिखाएं। तो मिलते हैं अगली ब्लॉग पे, तब तक के लिए बी सेफ, राइट सेफ, अल्लाह हाफिज़। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार।